गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी किस ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है और हम लगातार आपको TGT के नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम से जुड़े टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। और हमारे वीडियो में आपको देखेंगे कि प्लेटो का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत प्लेटो का राजनीतिक विचार जो विभिन्न खंडों में है, हम आपको धीरे धीरे दे रहे हैं और उन खंडों को आप जो उनके विचार हैं जिसका प्रभाव आधुनिक राजनीतिक चिंतन तक पड़ा, उसको हम धीरे धीरे विभिन्न वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको हमने पिछले वीडियो में प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी दिया था, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पे भी हमने चर्चा की थी और जो आदर्श राज्य का उनका कॉन्सेप्ट था उस पे भी हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। और आज के वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। उनके चिंतन का बड़ा सुदृढ़ आधार था कि शासक का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने साम्यवाद की परिकल्पना की थी। और ये परिकल्पना इसलिए की थी कि शासक वर्ग को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके, क्योंकि संपत्ति की मोह माया किसी को भी भ्रष्ट कर देती है। और शासक वर्ग जब तक इससे निर्लिप्त नहीं रहेगा, शासक वर्ग जब तक इससे अपने आप को अनाकर्षित नहीं महसूस करेगा, तब तक किसी भी राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने अपने साम्यवाद का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। लेकिन हम प्लेटो के साम्यवाद को समझने से पहले थोड़ी सी साम्यवाद की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो समझना जरूरी है। हम यहाँ पे साम्यवाद पे टोटल जोर नहीं देंगे, क्योंकि साम्यवाद का जो चिंतन है वो आगे कार्ल मार्क्स का जब हम अध्ययन करेंगे उस पे आपको मिलेगा। लेकिन मोटा मोटी साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लेटो से मिलता जुलता है, वो ये है कि साम्यवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत जो निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं रहेगी, निजी संपत्ति की अवधारणा उसमें स्वीकार्य नहीं है। यानी सामूहिक संपत्ति का कॉन्सेप्ट रहेगा, निजी संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने जो है अपना साम्यवादी जो दर्शन दिया वो था परिवार एवं निजी संपत्ति का साम्यवाद। उन्होंने दोनों चीजों पे बल दिया था अपने चिंतन में कि हमें क्या क्या नहीं रहेगा किसी के पास। उसमें उन्होंने जो चर्चा की थी, पहला निजी संपत्ति और दूसरा था परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। खासतौर से परिवार की संरचना में उन्होंने स्त्रियों को महत्व दिया है और इन दोनों का साम्यवाद जो है उन्होंने वकालत की है। और ये प्रणाली जो है केवल दो वर्गों, क्योंकि हम प्लेटो के आदर्श राज्य में जब सामाजिक वर्गों का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि उन्होंने तीन वर्गों की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। पहला था उत्पादक वर्ग, जिसमें कारीगर, मिस्त्री, किसान आते हैं। दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था दार्शनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को उन्होंने संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी है, यानी ये पोषण करने वाला वर्ग था और इस वर्ग को निजी संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का पालन करना पड़ेगा। यानी इन वर्गों के पास न निजी संपत्ति होगी न परिवार होगा। ये वर्ग सिर्फ अपनी दैनिक उपभोग की न्यूनतम वस्तुएं रख सकते हैं, बाकी जो संपत्ति होगी वो साझी होगी। ये किसी के पास, इन दोनों वर्गों के पास किसी तरह की संपत्ति नहीं होगी। इनकी पत्नियां भी साझी होंगी, यानी किसी भी सैनिक वर्ग के सदस्य या दार्शनिक वर्ग के सदस्य को एकल पत्नी नहीं होगी, सबकी पत्नियां साझी होंगी। उससे उत्पन्न संतानें भी साझी होंगी। उनका मकसद ये था कि
किसी को अपने संतान के बारे में नहीं ज्ञान होगा, न संतानों को अपने माता पिता का कोई ज्ञान होगा कि मेरे माता पिता कौन है, या और न ही माता पिता को ये ज्ञान होगा कि फला फला मेरे संतान है कि नहीं। तो सबका संतान सबकी साझी संपत्ति होगी, और इस वजह से जो मोह पैदा होता है वो नहीं पैदा होगा, न संतानों के प्रति न संपत्ति के प्रति। संपत्ति को इसलिए उन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए मना कर दिया कि अगर उनमें संपत्ति की लालसा पैदा होगी तो उससे उत्पन्न सुख उन्हें भ्रष्ट होने के लिए प्रेरित करेगा, और शासक वर्ग को इससे मुक्त होना चाहिए, यानी संपत्ति के मोह माया से निर्लिप्त उनका जीवन होना चाहिए। प्लेटो का ये साम्यवाद स्पष्टतया आदर्श राज्य की परिकल्पना में जो भी शासक वर्ग होंगे, जो भी शासित वर्ग होंगे, उनके बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास था, क्योंकि अगर शासक वर्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा तो हमारा जो राज्य है वो आदर्श नहीं बन सकता है और वो पतन के गर्त में चला जाएगा। लेकिन प्लेटो की सर्वाधिक आलोचना उनके शिष्य अरस्तु ने इन दो बिंदुओं पे की कि परिवार जो है सामाजिक जीवन का आधार है, बेस है, और जिस व्यक्ति के पास परिवार ही नहीं होगा उसको न आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा होगी और न ही वो समाज का अच्छा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि प्रारंभिक पालन पोषण जो संस्कार होता है आज भी ये माना जाता है कि परिवार के दायरे में ही मिलता है, परिवार के संरक्षण में ही मिलता है। तो अरस्तु ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि मेरे गुरु का प्लेटो का चिंतन जो समाज का सबसे बड़ा आधार है यानी परिवार, उसको नष्ट करने वाला है। दूसरा आक्षेप उन्होंने निजी संपत्ति के संदर्भ में लगाया कि सार्वजनिक संपत्ति किसी की संपत्ति नहीं होती। अगर आज हम भारत के संदर्भ में देखें तो जो आम नागरिकों का सार्वजनिक संपत्ति के प्रति रवैया है वो बड़ा निर्दयता पूर्वक बेरुखी भरा है, लेकिन निजी संपत्ति अगर सबके पास रहेगी और निजी संपत्ति का अधिकार अगर व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसको निरंतर संरक्षित करेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के प्रति वो भावना समाज के किसी भी सदस्य के मन में नहीं होती। और अरस्तु का ये चिंतन कितना दूरदर्शी है कि अगर अब भारतीय लोकतांत्रिक समाज में आम नागरिकों का सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जो रवैया देखेंगे उससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने इसीलिए निजी संपत्ति की वकालत की। अगर सभी संपत्तियां साझी बना दी जाएंगी तो किसी का संपत्तियों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा, रख रखाव की प्रेरणा नहीं मिलेगी और व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सुरक्षा का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने इस बिंदु पर प्लेटो से असहमति प्रकट की और उनका ये मानना था कि अगर निजी संपत्ति हटा दिया जाए तो व्यक्ति उद्यमशील नहीं होगा, व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, हर कोई अपना जो दायित्व है कर्म करने का वो दूसरे पे थोप देगा कि जब सारी संपत्ति सारे समाज की है तो मैं खुद व्यक्तिगत प्रयास क्यों करूं। और परिवार जो स्त्री का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इस संदर्भ में एक और बात कही थी कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा, जब सारी स्त्रियां सबकी साझी पत्नियां होंगी, सारे संतान सबके होंगे, तो जो भ्रातृभाव है, यानी ये कहने का उनका मतलब था कि सभी बच्चे एक दूसरे के भाई बहन होंगे, तो भ्रातृभाव उतना नहीं पैदा हो पाएगा जितना अपने परिवार के भाई बहनों में भ्रातृभाव पैदा होता है। इसलिए इस बिंदु पर उन्होंने प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत स्त्री और निजी संपत्ति की जो अवहेलना की गई थी केवल दो वर्गों के लिए, यानी संरक्षक वर्गों के लिए, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के लिए, उसकी उन्होंने निंदा की थी। तो आज के वीडियो में हमने प्लेटो के साम्यवाद को समझा, आगे हम वीडियो में आपको प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का एक तुलनात्मक विवेचन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।